वेलकम टू दी फ्रेश एपिसोड ऑफ प्रॉप 24। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष मल्होत्रा। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप लोग सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक YouTube पे शायद ये स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दिखाई गई है। जो आपको दिखाई जा रही है वो शायद 2.5 एकड़ का लैंडमार्क दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। मैं आज सिग्नेचर ग्लोबल 37D के उस लैंड पार्सल पे हूँ जहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल अपना सबसे पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और क्योंकि सिग्नेचर जो है वो अफोर्डेबल के लिए माना जाता है, मिड सेगमेंट के लिए माना जाता है, लेकिन इस बार कंपनी जो है वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि हम लोग अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में एंटर हों, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी तैयारी भी करी है। सो ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जैक्टली 700-800 मीटर के आसपास अंदर है। और अगर आप यहाँ से ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो सामने जो आपको फसाड्स दिख रहे हैं ये इनका 37D का लो राइज प्रोजेक्ट है जो लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। सो ये जो पार्सल जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे ये अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हाई राइज ग्राउंड प्लस 30, ये लगभग 16.5 एकड़ का लैंड बैंक है। 1 एकड़ में कमर्शियल लाएंगे, 15.5 एकड़ में ये लोग रेजिडेंशियल लेके आएंगे। 7 से 8 टावर रहेंगे, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स होने वाले हैं और 3.5 BHK 4.5 BHK 2300 के आसपास 3.5 BHK होगा और 4.5 के जो होगा उसका साइज़ होगा लगभग 2800 से 2900 स्क्वायर फीट। टू टॉप इट ऑल इसमें कुछ पेंट हाउस भी लेके आएंगे, लगभग 10 से 12 पेंट हाउस भी होने वाले हैं। एमिनिटीज़ 20+ एमिनिटीज़ होने वाली हैं, शायद वो 30 भी हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है, बट एटलीस्ट 20 एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। क्लब हाउस, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, 80,000 स्क्वायर फीट के 2 क्लब हाउस होने वाले हैं। जी हाँ, 2 क्लब हाउस होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। मेन देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल, मैं पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, एक हिडन जेम है। जितने भी लोगों ने अब तक सिग्नेचर ग्लोबल में पैसा लगाया है सब ने अप्रिसिएशन पाई है। एक इसका जस्टिफाइड आंसर ये होगा कि अभी इन्होंने रिसेंटली 4 महीने पहले अपना IPO लॉन्च किया लगभग 450 रुपये के आसपास, और आज वो 850 को भी क्रॉस कर चुका है विद इन 4 मंथ्स ऑफ टाइम। और जैसे ही ये लॉन्च करेंगे आई एम श्योर ये और ऊपर जाएगा इनका शेयर। तो ये ट्रस्ट है लोगों का सिग्नेचर ग्लोबल में। सबसे बड़ी बात, ये लोग बिना रेरा के कुछ भी काम नहीं करते हैं। जब रेरा आएगा तभी आपसे चेक लेंगे, तभी आपको अलॉटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि रेरा 1 महीने बाद आएगा और आज आपसे चेक बैंक करा लिया, प्रायोरिटी नंबर दे दिया आपको और 1 महीने के बाद आपको अलॉटमेंट कर देंगे। तो बहुत फेयर तरीके से सिग्नेचर ग्लोबल चलता है। और जैसे इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई एम श्योर ये भी ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आजकल लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो बैल्कनी की जगह आजकल डेक बैल्कनी कोट की जा रही है 8x10 10x10 की। सो इस प्रोजेक्ट में सिग्नेचर ग्लोबल डेक बैल्कनी भी आपको देगा, अच्छा खासा उसका साइज़ होगा। अल्ट्रा लग्जरी वो प्रमोट कर रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट कह रहे हैं जो सबसे लग्जरी सिग्नेचर ग्लोबल का होने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम टाइम बहुत कम है, अभी 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि इनका रेरा आ जाएगा और ये लॉन्च कर देंगे। सो बहुत सारी क्वेरीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ माय यू नो कस्टमर्स व्यूअर्स। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है इस साइट की, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता ये साइट किसी ने दिखाई है। आई वुड बी द फर्स्ट वन शायद। और जैसे मैंने कहा, जो 16.5 का लैंड बैंक है, 16.5 एकड़ का, ये आप सामने देख सकते हैं। ये सामने जो बैरिकेटिंग हुई हुई है, जो ये देख रहे हैं आप, जो बैरिफिटिंग हुई हुई है, इसके बैक साइड पे 24 मीटर की रोड है और उसके पीछे भी इनका लैंड बैंक है। तो लगभग ये जो पैच है ये 6 एकड़ का है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और पीछे जो है वो 10.5 एकड़ के आसपास का है। सो टोटल 16.5 एकड़। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें SG37D एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम आपको कॉल करें और आपको और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता सकें। प्लस एट द सेम टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपनी जो है बहुत जल्दी चेक एक्सेप्ट करने लग जाएगी 5 लाख रुपए का,
तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है बजट आपका कहीं ना कहीं 265-275 के आसपास है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे रहने वाला है। नीचे दिए गए नंबर पे, जैसे मैंने कहा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा टेक क्या है इस प्रोजेक्ट पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई भी आप अल्ट्रा लग्जरी अपकमिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी, अगर आप प्रोजेक्ट कोई भी लेने जाते हैं, 17-18 हज़ार रुपये से कम नहीं है। अगर आप सेंट्रल पार्क 104 लेने जाएंगे तो वो 23 हज़ार रुपये से कम नहीं है। सो मान लेते हैं कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से 700-800 मीटर अंदर आना पड़ रहा है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। एक तो एमिनिटीज़ आपको, जो बिल्डर आज की डेट में कह रहा है कि यू नो सुपर डुपर लग्जरी हम लेके आ रहे हैं, वो सारी एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं। और मान लेते हैं, अगर आप एक अज्यूम अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप 17-18 हज़ार रुपये का प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे पे लेते हैं और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 13-13.5 के आसपास अगर आपको यहाँ ये प्राइस ले आते हैं सिग्नेचर ग्लोबल, तो 4 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अगर आप यहाँ पर 2,500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपये आपका बचता है। इट्स सिंपल मैथ्स। 700-800 मीटर आपको अंदर आना है और आपको ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपया तो आपका सीधा बचता है। प्लस अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलग, प्लस आपको ऐसा ब्रांड सिग्नेचर ग्लोबल, जैसे मैंने कहा, बहुत फेयर ऑनेस्टी रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ये कोई तुक होना चाहिए बोलने का कि 700-800 मीटर अंदर है। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। प्लस जैसे मैंने कहा, इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बिल्डर्स वी हैव अवेलेबल इन गुड़गांव मार्केट। और क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है तो मुझे लगता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख का चेक हमें सबमिट करना है टू गेट दी बेस्ट अलॉटमेंट डन। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है बजट आपका कहीं ना कहीं 265-275 के आसपास है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे रहने वाला है। नीचे दिए गए नंबर पे, जैसे मैंने कहा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।